नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है किसी सिंह विद्यालय पर। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और एक लंबा इलेक्शन कैंपेन इस बार राजस्थान में हुआ। आप सभी ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा के चुनाव इस बार के चुनाव निर्णायक चुनाव और हम सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने पूरे कैंपेन को एक पॉजिटिव सकारात्मक और क्लीन कैंपेन हम लोगों ने चलाया। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और लगभग 100 रैलीज और मीटिंग हमने करी। आज को जोड़कर 3 महीने पहले जो सरकार बनी थी, हम लोगों ने जो वादे जनता से किए थे उसके आधार पर 3 महीने की वर्किंग जनता के सामने है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो वातावरण निर्मित हुआ है वो कांग्रेस के पक्ष में है। तमाम जो नेता भाजपा के प्रदेश में आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के प्रधानमंत्री जी कई बार आए, सवाल जनता राजस्थान की पूछना चाहती है कि 5 साल आपकी सरकार दिल्ली में थी, जयपुर में थी और विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी, लेकिन प्रधानमंत्री जी और उनके साथी जो जयपुर में, बाड़मेर में, हिंडौन में जो रैलियां कर रहे हैं, एक बार भी ये बताने में कामयाब नहीं हुए कि दिल्ली की सरकार ने राजस्थान की जनता को पिछले 5 साल में क्या दिया। सवाल यह है साथियों कि सरकार बनाने के लिए हर 5 साल आप वोट लेने आ जाओ, अलग अलग मुद्दों को उठाते, लेकिन केंद्र की सरकार ने राजस्थान में कितने हवाई अड्डे बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी खोली, कितने अस्पताल बनवाए, कितने पुल बांधे, कितनी परियोजनाओं को अंजाम दिया, ये बताने में पूरी तरह नाकाम रहे। और हकीकत यह है कि देश के सामने केंद्र की सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड है उसको छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। आज प्रधानमंत्री जी और उनके साथी बताने में असफल रहे हैं कि गैस का सिलेंडर 1000 रुपए तक पहुंच गया है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। आज भी वो आरोप लगाते हैं मनमोहन सिंह जी के ऊपर, यूपी की सरकार के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर, लेकिन 5 साल का पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत जनता ने दिया बीजेपी को। इन 5 सालों में स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, इतने वादे दिए, स्वच्छ इंडिया, नदियों को जोड़ देंगे। जनता चाहती है जब चुनाव में जाएं तो आप अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर अगर वोट मांगे तो पब्लिक उसको जज कर सकती है कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर आप अपनी चर्चा ही ना करो, जो वादे आपने किए अपने मुंह से उनके बारे में चर्चा भी ना करो, अपने आंकड़े प्रस्तुत ना करो और सिर्फ हवाई बातें करें, और जो पिछले 1.5-2 महीने में चुनावी चर्चाओं में, भाषणों में जो राजनीतिक स्तर में गिरावट आई है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और मैं मानता हूँ हर व्यक्ति, हर नेता, किसी भी दल का हो, सत्ता का हो या विपक्ष का हो, राजनीति में जो शब्द उसे निकल जाते हैं वापस नहीं आते। इसलिए जो लगातार गिरावट आई है, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और खासकर वो लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं अगर वो उस प्रकार की बातें करते हैं तो बड़ा एक नकारात्मक उदाहरण हम पेश कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। इस चुनाव में पहली बार हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बात करते हैं अली और बजरंग बली, बात नहीं करते कि राजस्थान में जनता ने क्या उम्मीद करी थी, डीएपी का दाम क्या है, खाद यूरिया का दाम क्या है, बिजली का क्या करेंगे, सड़कों का क्या करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं चुनावी चर्चा का मोड बदलने की कोशिश उन्होंने करी है। बड़ा राजस्थान में सरकार हमारे लिए 3 महीने का अल्प समय मिला, मुझे बता दें तो खुशी है कि वसुंधरा जी की सरकार के आखिरी दिन जो महकमा मेरे पास है उसके माध्यम से नरेगा हम लोग चलाते हैं। 9 लाख लोग नरेगा में रोजगार पा रहे थे वसुंधरा जी के कार्यकाल के आखिरी दिन। और नरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इसमें कोई टारगेट सेट नहीं होता, जब जनता का डिमांड करती है। संविधान में लिखा है कि प्रत्येक परिवार को 1 व्यक्ति के 100 दिन का रोजगार का अधिकार मिला है। जब हमें पता पड़ा कि जानबूझ के नरेगा को
हटा तो सकते नहीं है क्योंकि इतनी राजनीतिक हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसको मारने का काम किया। हमने ताम मामलों अभियान चालू किया और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, राजस्थान में जहाँ 9 लाख लोग थे दिसंबर 17 को, आज या 2 दिन पहले तक के आंकड़े हैं 31 लाख लोग नरेगा से रोजगार पा रहे हैं। और हमने अपने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट किया है सरकार बनने के बाद 100 दिन के बढ़ा के हम लोग 150 दिन करने वाले हैं, और लोगों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिले इस संकल्प को लेकर नरेगा का हमने आविष्कार किया था यूपी के समय। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये कदम था। दुनिया सोचती थी कि इतना बड़ा किसी देश में रोजगार का कानून नहीं है, हम लेकर आए। आज हम न्याय की बात करते हैं, न्यूनतम आय योजना, उसके बारे में भाजपा अनेक प्रश्न उठाती है। अगर 10 लोगों के ऋण माफी के लिए बीजेपी की सरकार 3 लाख करोड़ रुपए इस्तेमाल कर सकती है, तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों के लिए हम लोग 3 लाख करोड़ ला सकते हैं। मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त टैक्स लगाए बिना इतना रिसोर्स जनरेशन हम लोग कर सकते हैं। हमने पहली बार भारत के इतिहास में अपने GDP का 6% एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए ईयरमार्क किया है, और ये बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप है जो हम लोग पैसा देते हैं। और मैं मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा लगता है वो एक्सपेंस नहीं है, वो निवेश, ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर शिक्षित हम लोग कर सके। देश में ये दावे किए गए थे कि नोटबंदी करने से अलगाववाद, नक्सलवाद, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप सभी जानते हो गढ़चिरौली में पिछले दिनों एक बहुत घातक हमला हुआ, 16 हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए। उससे कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने हमला किया भाजपा के विधायक की जान के लिए, पुलवामा, पुरी, गुरदासपुर, तमाम जगहों पर आतंकियों ने हमारे देश के अंदर अलगाववादियों ने, नक्सलवादियों ने लगातार प्रहार किए। LOC पर लगातार बमबारी जारी है और बढ़ती चली जा रही है। हमें खासकर वो लोग जो दिल्ली में सत्ता में आसीन है उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी मात्रा में जो आपने क्लेम किया था कि चीजों को जड़ों से हटा देंगे, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। बजाय इसके कि उसका जवाब दें, हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो CRPF या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, वर्दीधारी नौजवान जो जंगल में, बर्फ में, रेगिस्तान में हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, उनके शौर्य और वीरता की आड़ में अपनी 5 साल की नाकामियां छुपाना चाहते हैं। पूरा देश और दुनिया जानता है कि भारत की आंतरिक या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी नजर उठा के देखेगा उसको वही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जो मिलना चाहिए, और ये पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो। इसमें ना तो कोई किसी को बुराई होनी चाहिए, ना कहने या सोचने में संकोच होना चाहिए। हमारे सैनिकों के शौर्य बलिदान का मान सम्मान पूरा देश करता है, इसमें अगर किसी को कोई आशंका है तो मिटा देनी चाहिए। लेकिन चुनाव होना चाहिए गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर, चुनाव होना चाहिए आपने जो कहा निवेश हो, उद्योग लगे। मैं तो राजस्थान के परिवेश में कहना चाहता हूँ, कितने उद्योग लगे भारत सरकार के माध्यम से, जनता ने मन बदला, 3 महीने पहले हम लोगों को स्पष्ट बहुमत दिया, सेवा करने का मौका दिया। हमें लगता है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। मैं राजस्थान के अलावा कुछ राज्यों में प्रचार करने के लिए गया था, कि मेरा आकलन है कि दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, और जिन राज्यों में लगभग सभी सीट बीजेपी पिछली बार अपने जुमले और झूठे वादे देकर जीती थी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह भारी गिरावट उनके संख्या बढ़ने आने वाली है। और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस के व्यक्ति जीत के संसद में पहुंच जाएं या सरकार कांग्रेस पार्टी बना ले, इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हमारे लोकतंत्र में, हमारे गणतंत्र की जो जड़ें हैं, हमारे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको 60-70 साल तक सभी लोगों ने इतना मजबूत बनाया, उन तमाम संस्थानों को चुन चुन कर कमजोर करने की कोशिश केंद्र की सरकार कर रही है। और ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ये देश की धरोहर है। हमारे भारत के आसपास के मुल्क में देख लीजिए आप, लोकतंत्र कमजोर क्यों है? क्योंकि वहां इंस्टीट्यूशंस की वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चीन, जहां पर भी आप देखिए, जहां संस्थाएं कमजोर हुई हैं वहां लोकतंत्र कमजोर हुआ है।
आरबीआई का क्या हाल है, सीबीआई का तो आप सभी जानते हैं, रात के 2 बजे निर्देश को डायरेक्टर को बर्खास्त करते हैं, कोर्ट रीइंस्टेट करता है, सीबीआई सीबीआई पे छापा मार रही है, ईडी ईडी को नोटिस दे रहा है, और भाजपा के विरोध में कोई बोल जाए तो उस पर छापे पड़ेंगे, नोटिस मिलेगा, रेड होगी। भाजपा का विरोध करना राष्ट्र विरोधी हो गया, इस तरह की चर्चा भाजपा के नेता करते हैं। लेकिन देश बहुत संवेदनशील है, मतदाता बहुत समझदार है, हमें लगता है कि इस प्रकार की जो दबाव की राजनीति है, आक्रमण की राजनीति है, द्वेष की राजनीति है, जहर घोलकर एक नकारात्मक माहौल पैदा करने की जो राजनीति है, उसके खिलाफ नौजवान भी है, किसान भी है। आज सबसे बड़ा इशू देश में है बेरोजगारी का है, किसानों का है, एग्रेरियन क्राइसिस जो हमारे ऊपर है, आर्थिक जो इमरजेंसी है किसानों के ऊपर, उसके लिए कोई भाजपा का नेता भाषण नहीं दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने में लगे हैं। कांग्रेस का संख्या बल 44-45 रह गया था 5 साल पहले, 282 बीजेपी को मिले थे, इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी आज भी सिर्फ और सिर्फ आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करके कांग्रेस को कोसने की बात कर रहे हैं। अपने 5 साल की परफॉर्मेंस देने से आप क्यों छिप रहे हैं, ये जनता जानना चाहती है सवालों का जवाब। राजस्थान में अच्छा कैंपेन हुआ है, पहले 13 सीटों का जो फेज हुआ था उसमें अधिक वोट पड़े, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि जनता ऐतिहासिक रूप से हमेशा जो पार्टी चुनाव जीती है विधानसभा का, चंद महीनों के बाद 200 बार चुनाव होते हैं, अधिकतम उसी पार्टी को जनता दोबारा विश्वास देती है, इसलिए हमें लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहेगा। हमारी सरकार हमारी पार्टी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ बीजेपी में कई लोगों की टिकट काटे हैं, सिटिंग मिनिस्टर को ड्रॉप किया है, बाहर से लोगों को लाके सपोर्ट कर रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, और जो खिंचाव भाजपा के अंदर है वो जग जाएगा। कौन किसकी खेमे में है ये आप लोग देखेंगे, छापेंगे नहीं, लेकिन सब जानते हैं टिकट कौन कहां से। हमारे यहाँ 25 की 25 सीटों पर 3 या 3.5 महीने का गहर अंदर किया, कार्यकर्ताओं से बात करी, और हम सब ने यूनानिमसली 25 लोगों को टिकट दिया है, जिताऊ सब चली के अच्छे लोगों को टिकट दिया, और हमने मिलकर कैंपेन किया है, मिलकर चुनाव लड़ाकर जिताएंगे। परस्पर भाजपा में लगातार तनाव और खिंचाव है, और इसका मुझे लगता है कि नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा, लेकिन मूलतः प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को पूरा अपना आशीर्वाद देगी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं मिशन 25 को अकम्प्लिश करने के लिए, और जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है 3 महीने पे उसको जनता जज करेगी, गेज करेगी, लेकिन अपने मिशन में हम लोग कामयाब होंगे, मैं इस बात के लिए पूरा आशावाद हूँ। आप लोगों को सवाल हूँ तो आप पूछ सकते हैं।